आईपीएल में फाइनली होने वाले हैं दो नए टीम ऐड, उसके साथ ही साथ प्लेयर रिटेंशन के बारे में आया है अपडेट, एक नया अपडेट, तो इसके ऊपर भी बहुत ही अब बदलाव हुए हैं, चेंजेस हुए रूल्स में, प्लेयर रिटेंशन लिस्ट के ऊपर बहुत ही यहाँ पे चेंजेस हुए हैं, तो ये सारे के सारे यहाँ पे अपडेट्स जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो अंत तक देखते रहे। सर जैसे कि आपको मालूम है कि बहुत दिनों से ये चल रहा था कि मतलब दो नए टीम क्या हमें देखने को मौका मिल सकता है आईपीएल 2020 में या फिर 2021 में, बट ये बिल्कुल भी हमारा जो था बहम था मेरे हिसाब से कि क्यों उन्होंने कि बिल्कुल भी दो टीम नहीं ऐड किए, सिर्फ चल रही थी ये बातें, तो ऐसा लग रहा था कि मतलब ये अफवाह है और मतलब बिल्कुल भी नए टीम्स नहीं आएंगे इस साल भी, बट यहाँ पे मैं बता दूं इस साल बिल्कुल भी बीसीसीआई ने कंफर्म किया, बीसीसीआई ने खुद कंफर्म किया है कि अभी दो टीम्स ने और हम लाने की कोशिश करने वाले हैं, यहाँ पे 3-4 सिटीज में बहुत सारी कॉम्पिटिशन चलेगी, उसके बाद में दो टीम्स फाइनल होंगी, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि बहुत सारे लोगों यहाँ पे इंटरेस्ट है, उसमें से दो यहाँ पे अगर मैं बात की जाए तो गुजरात से एक टीम आ सकती है या फिर अहमदाबाद से भी एक टीम आ सकती है, उसके साथ ही साथ जयपुर कानपुर भी बहुत सारे लोग यहाँ से इंटरेस्टेड है टीम खड़ी करने में, तो देखने वाली बात रहेगी कि कौन से दो टीम नए ऐड होते हैं। उसके साथ ही साथ मैं बता दूं आपको कि पहले तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि प्लेयर रिटेंशन के बारे में क्या हुआ है, उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि कब ये टीम्स अनाउंस की जाएंगी, फिर मेगा ऑक्शन 2022 में होगा, तो मैं सबसे पहले तो ये क्लियर करना चाहता हूं दोस्तों कि ये जो टीम्स है आईपीएल 2021 के जो पेंडिंग सीजन है उसमें तो नहीं आने वाली है, ये बात तो आपको सबको मालूम ही होगी, आईपीएल 2022 से जो नए टीम हमें देखने को मौका मिलेगा, तो सबसे पहले तो जान लेते हैं रिटेंशन के ऊपर, प्लेयर रिटेंशन के ऊपर क्या अपडेट है, क्या बदलाव हुआ है प्लेयर रिटेंशन में। तो अभी पिछले साल की अगर बात की जाए यानी कि अभी जो करंट सीजन चल रहा है इस यहां तक यहां पे प्लेयर रिटेंशन की अगर बात की जाए तो 3 प्लेयर्स आप रिटेन कर सकते थे, तो अभी की अगर बात की जाए तो यहां पे 4 प्लेयर रिटेन करने के लिए आपको अलाउ किया गया है, बट यहां पे दोस्तों एक अपडेट इसके बारे में यह है कि मतलब 3 जो यहां पे प्लेयर्स रहेंगे तो आपको बिल्कुल भी अपने भारतीय होने चाहिए और एक जो बंदा है वो विदेशी होना चाहिए या फिर 2 भारतीय और 2 विदेशी प्लेयर्स आप रिटेन कर सकते हो, बट हाँ दोस्तों कि 3 विदेशी और 1 भारतीय ऐसा नहीं चलेगा, 2 विदेशी और 2 भारतीय या फिर 3 भारतीय और 1 विदेशी ये प्लेयर आप रिटेन कर सकते हो, तो यानी कि टोटल 4 प्लेयर आप रिटेन कर सकते हो इस साल। तो ये तो हो गया रिटेंशन के बारे में, बट अगर आपको मैं बता दूं कि इस साल मेगा ऑक्शन भी होने वाले, तो स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं कि कब टीम्स अनाउंस होंगी, कब ये मेगा ऑक्शन होगा या फिर ये बीसीसीआई के पास ये जो होल्डिंग राइट्स है, जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है, तो शायद वो भी चेंज हो सकते हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे, पूरा का पूरा शेड्यूल मैं बता दूंगा इस वीडियो में, तो वीडियो आखिर तक देखते रहना दोस्तों। तो सबसे पहले तो बता दूं मैं आपको कि मतलब जैसे कि मैंने बताया कि 4 जगह से ये लोग इंटरेस्टेड है, जयपुर, कानपुर, गुजरात और अहमदाबाद, तो यहाँ पे इसमें से ही कोई 2 टीम्स मुझे लगता है कि आएंगी, तो इसका जो चयन है 2 अगस्त में मीटिंग्स वगैरह होंगी, जब यहाँ पे चल रहा होगा बहुत सारी चीजें, तो अगस्त में जब ये मीटिंग्स वगैरह होगी तो फाइनल जो 2 टीम है उनका चयन जो है वो बिल्कुल भी अक्टूबर महीने में वो टीम्स फाइनल होंगी, और अक्टूबर महीने में जैसे ही टीम्स 2 नए आते हैं तो जैसे कि यानी कि मतलब अपना जो आईपीएल 21 का सीजन है वो चल रहा होगा या फिर खत्म होने के बाद में हमें ये देखने का मौका मिलेगा कि कौन से 2 नए टीम्स ऐड हुए हैं। उसके साथ ही साथ दिसंबर महीने में यहाँ पे मेगा ऑक्शन होगा, तो बिल्कुल भी यहाँ पे बहुत ही बड़ा ऑक्शन फिर से हमें देखने का मौका मिलेगा इस साल भी। उसके साथ ही साथ मैं बता दूं कि जनवरी महीने में ये तय होगा कि ब्रॉडकास्टिंग राइट्स किस चैनल के पास है, तो ये सारी पूरी की पूरी शेड्यूल है जिसके ऊपर मैंने आपको अपडेट दे दी है, तो आप बिल्कुल भी उम्मीद कर सकते हो कि 2022 में आपको 8 नहीं 10 टीम देखने का मौका मिलेगा। उसके साथ ही साथ रिटेंशन की अगर बात की जाए तो जैसे कि मैंने आपको रूल्स बता दिए है, तो 3 विदेशी, 1 भारतीय या फिर 2 विदेशी और 2 भारतीय प्लेयर्स हर एक टीम रिटेन कर सकती है, तो देखते हैं कि कौन से स्टेट में से और कौन से सिटी में से ये टीम्स आती है, सभी इंटरेस्टेड रहेंगे कि कौन से 2 टीम्स ने ऐड होंगे इसके बारे में, तो जैसे ही कुछ अपडेट आता है इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा, बट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तो अगर मेरे आपके वीडियो पसंद आए और मेरे चैनल पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, इससे थोड़ी सी मुझे मोटिवेशन मिलती है, डेली वीडियो आपके सामने आता रहूं इसके लिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन ऑल्सो, तो उससे भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी जब मैं इस वीडियो आपके सामने आता रहूं, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और वीडियो के साथ, बाय बाय।